आज का जो हमारा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स बहुत ही आसान विषय रहेगा। आज हमने भाग करना सीखना है, डिवीजन करना सीखना है, बहुत ही आसान है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस के अंदर हम अर्थमेटिक में डिवीजन करना सीखते आए हैं, और लेकिन यहाँ पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करना सीखना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स, फाइंड द क्वोशेंट, रिमाइंडर हमने निकालना है। तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल्स है, एक तो दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, एक्स की रेस टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, और एक अनदर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसको जी एक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। लेकिन एक दो बात यहाँ पर जो नोट करने वाली यह है, यहाँ देखिए हेयर पावर इज 4 एंड देन 3, इट मीन्स जो पावर 3 वाला है, 3 वाली टर्म है, वो यहाँ पर मिसिंग है। इसी प्रकार 2, 1 एंड 0 इन द सेम वे इन जी एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर जो एक्स क्यूब वाली पावर मिसिंग है, और यहाँ पर जो पावर्स का ऑर्डर है वो स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं है। उस ऑर्डर को ठीक करेंगे, उस ऑर्डर को हम जो जी एक्स का जो ऑर्डर है हम उसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद 1। यहाँ पर पावर 2 है x की, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, जो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे ही जो पी एक्स है, यहाँ पर जो मिसिंग पावर है उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, 0x³। अगर नहीं भी लिखे तो हम यहाँ पर उसके लिए स्पेस रखेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए, लेकिन हमने यहाँ पर 0x³ लिख लिया है। तो जो पी एक्स है उसको हम अंदर लिखेंगे, एक्स रेज टू 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और हम जी एक्स से डिवाइड करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो छोटी कक्षाओं में आप अर्थमेटिक की जो डिवीजन करते थे, लेकिन यहां पर हम डिवीजन करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स की। तो यहां देखेंगे सबसे पहले भी किसके ऊपर जाएगा, यहां है एक्स स्क्वेयर, जबकि अंदर क्या है, एक्स रेज टू पावर 4। तो एक्स स्क्वेयर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई, ये देखना होगा। यहां पर हम देखेंगे ये एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4। हमें इसका मतलब मिल गया है, किस चीज पे हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये जाएगा एक्स स्क्वेयर पर। तो एक्स स्क्वेयर को सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू पावर 4 यहाँ लिख लिया गया। फिर एक्स स्क्वेयर को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। माइनस एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब यहाँ लिख लिया गया। इसी प्रकार एक्स स्क्वेयर को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पर क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन हम चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, एक्स 4 माइनस एक्स 4 आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसी प्रकार ये 0 है, ये 1x³ है, तो जब इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस साइन का x³ आ गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों मिलकर के माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x², ये जो बाकी बची हुई टर्म्स है ये हमने उसको साथ नीचे उतार लिया। इस प्रकार हम हमारा जो एक स्टेप इसका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने देखना है हमें क्या बनाना है, x³ है हमारे पास, क्या x² तो x² को हमने x³ में चेंज करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो है x, हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस x के साथ x² को मल्टीप्लाई किया x³, इसी प्रकार प्लस x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया देन x², x को 1 से किया x, इन द सेम वे फिर हम साइन चेंज करेंगे, x³ माइनस x³ 0, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 1 3x², साइन बड़ा है माइनस का तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। इसी तरह 4x
प्लस एक्स साइन चेंज हो गया, माइनस फोर में से वन गया, थ्री एक्स ऊपर से फाइव हमने ले लिया। अब हमने क्या बनाना है, थ्री एक्स स्क्वेयर है क्या, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को किस में चेंज करना है, माइनस थ्री एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस थ्री के साथ। तो माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो अब ये जाएगा माइनस थ्री पर, तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, माइनस थ्री को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का थ्री एक्स, माइनस थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का थ्री, साइन फिर चेंज करेंगे, यहां माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये थ्री एक्स दोनों सेम साइन थे कैंसिल हो गए, ये भी सेम साइन थे जब सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गए, तो ये फाइव भी प्लस का ये भी प्लस का, तो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक रिमाइंडर, तो हेयर रिमाइंडर इज एट एंड कोशेंट, कोशेंट इज एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू माइनस थ्री। तो इस प्रकार से हमने सिंपल डिवीजन जो कि हम पहले से भी नाइन्थ क्लास में भी सीख चुके हैं, सिंपल डिवीजन करना है तो आप सिंपल डिवीजन मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सीख गए होंगे। अभी हम एक सम और करेंगे, इसका हम पहले सम का जो थर्ड पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पी एक्स जो है एक्स रेज टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर फोर है और यहाँ पर पावर क्यूब वाली भी मिस है और स्क्वेयर वाली भी मिस है, उसको भी हमने ठीक करना है। यहाँ पर जो क्यूब वाली पावर है हम लिख लेंगे जीरो एक्स क्यूब एंड जीरो एक्स स्क्वेयर, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बस सिर्फ हमें ध्यान होना चाहिए भी ये दोनों टर्म नहीं है, क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो स्क्वेयर की पावर के नीचे स्क्वेयर वाली टर्म लिखनी होती है, तो वो यहाँ पर ना हो तो लिखने में परेशानी होती है, इसलिए किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, हमें लिख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इन द सेम वे जी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका भी ऑर्डर हमने ठीक करना है, सबसे बड़ी पावर फिर छोटी, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर इसका किस तरह से बनेगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस है माइनस सात आएगा, टू के साथ प्लस है तो टू साथ में आएगा, ऐसे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू, वही प्रोसीजर जो फर्स्ट सम ने हमने अडॉप्ट किया था यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई किए जाए कि एक्स स्क्वेयर की पावर फोर आ जाए, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले तो देखेंगे साइन, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो एक हमें माइनस का साइन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर के ऊपर जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर को फिर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर, माइनस एक्स स्क्वेयर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वेयर, फिर हम वही इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, ये सेम टर्म्स थी, दोनों को माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, ये जीरो था इस कोई यूज नहीं है इसका, जीरो ही रह गया, तो स्क्वेयर यहाँ जीरो है, यहाँ भी प्लस है, पहले माइनस था प्लस हो गया, तो प्लस टू एक्स स्क्वेयर इनकी सब्सट्रैक्शन आ गई, माइनस फाइव एक्स और सिक्स एक्स हमने नीचे उतार लिए। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस एक्स है, हमें क्या बनाना है, प्लस का टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वेयर को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास प्लस का टू एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक तो माइनस चाहिए क्योंकि माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक क्या चाहिए, यहाँ टू है यहाँ नहीं है तो माइनस टू, तो अब जो किस फैक्टर के पास जाएगा, ये माइनस टू के साथ जाएगा, तो माइनस टू के ऊपर हमने किया तो माइनस टू को मल्टीप्लाई किया जो इसके साथ, तो माइनस को माइनस से प्लस टू एक्स स्क्वेयर, माइनस टू को प्लस टू के साथ किया माइनस फोर, अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करेंगे, यहां प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, यहां माइनस था तो किस में चेंज कर दिया प्लस में, तो टू ये भी साइन इक्वल है तो माइनस हो गया, टू माइनस टू जीरो,
माइनस फाइव एक्स था वैसे ही उतर गया क्योंकि यहाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, माइनस फाइव एक्स, ये भी प्लस, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस का 10, तो माइनस फाइव एक्स प्लस 10, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द कोशेंट, जिसके ऊपर गया हम उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो कोशेंट जो हमारा आ गया वो कितना है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये दोनों मिलकर के कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास आ चुके हैं। तो डिवीजन बिल्कुल सिंपल होती है, बस थोड़ा टेक्निकली समझने की जरूरत होती है भी किस चीज के ऊपर जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो बाकी जो सम है, फर्स्ट सम के जो पार्ट्स रह गया है वो आप अपने आप कीजिए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत